बढ़िया। बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन अपने काम काजों को लेकर अब वो सोशल मीडिया में भी ट्रोल होने लगी है। बहुजन विकास के काम काजों को लेकर लोगों ने उन्हें बिल्डर विकास आघाड़ी तक कह दिया। देखिए ये रिपोर्ट। सत्ताधारी पक्ष के कामकाज को लेकर अब गुस्साई लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भाजपा के पद अधिकारियों ने हैंडवॉश स्टेशन का फोटो डाला, जिसमें फेरी वाले अपना सामान रखकर व्यवसाय करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वसई विरार मनपा की परिवहन सेवा बंद है, जिसमें फेरी वालों ने मॉल बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही बहुत से मुद्दों को लेकर भाजपा के पद अधिकारियों ने सत्ताधारी पक्ष को अपना निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। सुनिए इस पूरे विषय पर भाजपा के मनोज बारोट ने क्या कुछ कहा। एक सीधा सा वो सवाल पूछने को कोई नहीं आना, अपने सवाल ही मुझे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि 30 साल से वो सत्ता में है, तो सत्ता जो सत्ताधारी है उसको ही सवाल पूछेगा ना। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता जो भी है वो सवाल उनसे ही पूछेंगे। अभी मेरे को एक बात बताइए, मैं एक सिंपल आपको एक लॉजिक बोलता हूँ कि 30 साल से बहुजन विकास आघाड़ी जो यहाँ पे सत्ता में, मेरे ख्याल से बहुजन विकास आघाड़ी ने हमारे जो कार्यकर्ता बोलते हैं बिल्डर विकास आघाड़ी, ये बोलना कहीं भी गलत नहीं होगा। जिस महापालिका क्षेत्र के अंदर 30 साल से वो सत्ता में है, आज ढंग का एक शौचालय तक नहीं बना पाया है। जहाँ पे आज जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतने पैसे आ रहे हैं, आज दिखाइए मुझे तुलिंज पे यहाँ से लेके एक भी शौचालय है क्या। वही आज कोरोना के काल में जहाँ पे अपने हैंडवॉश स्टैंड बनाए गए, वो केंद्र सरकार से पैसा आया, केंद्र सरकार के पैसा आने का उसका मेंटेनेंस तक का पैसा आया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ दिन पहले जब मैंने फोटो निकाला था तो वहां पे नल तक नहीं था, वहां से नल तक गायब थे, वहां कुत्ते सो रहे थे। आज हमारे जो कार्यकर्ता लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है, इसके अंदर वहां पे मॉल खड़ा हो गया, मार्केट चल रहा है। वही परिस्थिति जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जो आज हमारी वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर परिवहन सेवा चलती है, जिसके लिए केंद्र से 165 करोड़ रुपया आया था, वो परिवहन सेवा जिसको चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ठेकेदार को अपॉइंट किया, जो एक बस की कीमत करीबन 50 लाख के आसपास है, वो बस सिर्फ 2500 रुपये में एक ठेकेदार को दिया। और वो ठेकेदार ने 2500 रुपये में देने के बाद क्या किया, ठेकेदार को 2500 इसीलिए क्योंकि एक सत्ताधारी हो और यहाँ के मनपा के अधिकारी और ठेकेदारों की जेब भरने के लिए सिर्फ 2500 रुपये में 50,000 की बस। आप एक सिंपल एक लॉजिक चलाए, यहाँ से अगर आप एक गाड़ी, सादा एक छोटा गाड़ी भी करेंगे ना, ये भले आपको यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है तो भी वो 3000 रुपया भाड़ा एक दिन का आपसे लेता है, और इन्होंने ये 2500 में देके इन्होंने अपनी जेब गर्म करने का काम किया है। और उसमें गलत क्या है, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आना ही चाहिए। और केंद्र सरकार के पैसे जिस तरह से आप बर्बाद कर रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कतई इसको सहन नहीं करेंगे। और मैं यही बोलता हूँ कि हमारे वसई विरार महापालिका क्षेत्र में केंद्र से जो भी योजना आती है वो नागरिकों के लिए नहीं आती है, यहाँ के सत्ताधारी अधिकारियों और ठेकेदारों के जेब भरने के लिए आती है, क्योंकि उसका फायदा कहीं कतई हमारे नागरिकों को नहीं होता है।